येणारे त्यांचं आयुष्य एक अतिशय चांगल्या पद्धतीने उत्तरोत्तर त्यांची राजकीय प्रगती हो अशी मी त्यांना शुभेच्छा दे। वो जे हजारों साल और हर साल के दिन हो 50,000 ऐसी बधाई ये टाइम देता हूँ। नवी मुंबई में उत्तर भारतीय समाज के नेता एवं नवी मुंबई भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष राजेश राय के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए बड़ी संख्या में उनके शुभचिंतक मित्र एवं समाज के लोग मौजूद थे। राजेश राय ने काफी सादगी से अपना जन्मदिन मनाया। बता दें कि हमेशा से ही जनसेवा में विश्वास रखने वाले राजेश राय ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य कार्ड का वितरण लोगों के बीच किया ताकि उसका फायदा लोगों को हो सके। इस दौरान राजेश राय को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए भाजपा के नवी मुंबई जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरत, भाजपा युवा मोर्चा के नवी मुंबई अध्यक्ष दत्ता घंगाले के साथ कई मान्यवर मौजूद थे। इस दौरान भाजपा नवी मुंबई जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरत ने कहा कि राजेश राय एक ऐसे कार्यकर्ता है जिन्होंने राजनीति से अधिक महत्व गरीबों को सेवा देने के लिए दिया है। आज आमच्या प्रमुख कार्यकर्त्यामधला एक सीनियर कार्यकर्ता राजेश जी रॉय यांचा वाढदिवस सोहळा आहे। मी सर्वप्रथम राजेश जी रॉय यांना वाढदिवसानिमित्त त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देईन, कोटी कोटी शुभेच्छा देईन। येणारं आयुष्य त्यांचं सुखमय आरोग्यदायी जावं, भरभराटीचं जावं अशी त्यांना शुभेच्छा देईन। आज विविध राजेश रॉय यांच्या वाढदिवसानिमित्त विविध कार्यक्रम झाले, त्यात महत्त्वाचा कार्यक्रम ज्योतिबा फुलेचे कार्ड जे ज्यांनी एका गरीब कुटुंबाला 5 लाखाचं कव्हरेज मिळतं हॉस्पिटलमधलं, आणि एक मोठं काम गेले कित्येक महिन्यापासून राजेशजी करतायत। एक गरिबांचा कैवारी म्हणून ते या एरियामध्ये फेमस आहेत। छोटे छोटे कार्यक्रम करत असतात, फक्त गरिबांसाठी करत असतात, महिलांसाठी करत असतात, म्हणून त्याच्यावर आमचं म्हणजे त्यांना आम्ही प्राऊडफुल करतो की एक चांगल्या प्रकारचं कार्यकर्ता जो आमच्या पार्टीला लाभलेला आहे, जो एक मोठ्या प्रमाणामध्ये पार्टीचं संघटन वाढवण्यासाठी काम तर करतच असतोच, पण त्याबरोबरच तो समाजामध्ये एक गरीब वर्गाच्या लोकांना, स्लम वर्गातील लोकांचं काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने करत असतो। आणि म्हणूनच एक भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता म्हणून आम्ही राजेश रॉयला एक अभिमानाने बघतो की एक चांगला कार्यकर्ता, उभरता हुआ कार्यकर्ता आणि आमच्या पहिल्या फलितला कार्यकर्ता। सन्माननीय राजेशजी रॉय हे उत्तर प्रदेशचे सेलचे अध्यक्ष आहेत आणि त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणामध्ये संघटनेमध्ये त्यांचं योगदान आहे आणि ते योगदान अशाच प्रकारे चालू राहावं। येणारे त्यांचं आयुष्य एक अतिशय चांगल्या पत्रे उत्तरोत्तर त्यांची राजकीय प्रगती हो अशी मी त्यांना शुभेच्छा दे। भाजपा के युवा मोर्चा नवी मुंबई जिल्हा अध्यक्ष दत्ता घंगाले ने कहा कि राजेश राय से सीखने जैसा बहुत कुछ है। आज हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश राय जी, इनका जन्मदिन है। सुबह से अलग अलग सामाजिक कार्यक्रम से ये जो उनका जन्मदिन है वो मनाया जा रहा है। सब हमारे सहयोगी और उनके ऊपर प्यार करने वाले तमाम लोग ये जन्मदिन मना रहे हैं। राय जी हमारे मार्गदर्शक भी है और जब से उत्तर भारतीय मोर्चा की कमान उन्होंने संभाली है तब से उत्तर भारतीय मोर्चा को एक अलग आयाम पर ले जाने का काम उनके नेतृत्व में हुआ है और उनके इस नेतृत्व से युवा मोर्चा को भी सीखने को मिलता है। ऐसे हमारे राजेश राय जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। वो जिए हजारों साल और हर साल के दिन हो 50,000 ऐसी बधाई ये टाइम देता हूँ। तो वही जन्मदिन की बधाई देने के लिए मौजूद अन्य लोगों ने भी राजेश राय को शुभेच्छा दी। वो आज उत्तर भारतीय लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है। नई मुंबई में उत्तर भारतीयों की कुछ समस्या हो, उत्तर भारतीय के निचले तबके के लोग है आज यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके जो नई मुंबई में रह रहे हैं, उनकी किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए राजेश जी रात दिन खड़े रहते हैं। उनको आप रात को 2 बजे भी अगर कॉल कीजिए तो मेरा अनुभव है वो फ़ोन उठाते हैं। और बाकी सारी उत्तर भारतीय केवल नहीं तो सारा समस्त हिंदू समाज के लिए वो सदैव खड़े रहते हैं। और इस उपलक्ष्य में मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं भगवान प्रभु राम से यह प्रार्थना करता हूँ कि राजेश जी को अपने सामाजिक कार्यों में और वो प्रगति दें और उनको ताकत दें, उनको बल दें कि वो अपना सामाजिक काम और आगे बढ़ाए। और हम सब राजेश जी के साथ में हैं
मैं पुनः उनको जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ। आज उत्तर भारतीय जिल्हा राजेश जी रॉय यांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्या दिवशी आज त्यांचा दिवसभर भरपूर कार्यक्रम आज चाललेले आहेत। तरी त्यांना वाढदिवसाच्या मी मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्याकडून आपल्या जिल्ह्यात असेल, आपल्या सानपाडा तालुक्यात असेल असे भरपूर काम होत आहे आणि त्या कामातसुद्धा मी त्यांना शुभेच्छा देत आहे। इथून पुढे सुद्धा त्यांनी असेच चांगले चांगले काम करावा अशी मी इच्छा व्यक्त परमेश्वर इच्छा व्यक्त करतो। पहले तो बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उनके जन्मदिन पे, वो दीर्घायु रहे और जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं और ये जो उनके जन्मदिन पर हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर और वो आगे आकर हम लोग को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और हम सेवा सप्ताह के तौर पे इस बार उनका जन्मदिन मनाया गया है। तो हम सब चाहते हैं कि ऐसे ही वो हमेशा सामाजिक कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें और इस बार उनका जन्मदिन एक हफ्ते से हम महात्मा फुले आधार कार्ड वितरण कर रहे हैं दीघा से लेकर बिलापुर तक, जिसमें हम लोगों ने 500 कार्ड वितरण किया है। महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ, दीर्घायु हो, सतायु हो, वो स्वस्थ रहें और स्वस्थ होंगे तो सबके लिए जैसे अभी कार्य कर रहे हैं वैसे कार्य करते रहेंगे, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। जैसे मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, यही हमारे अध्यक्ष जी राजेश राय जी हमेशा सबके साथ रहते हैं और हमेशा हर किसी के जो भी जिसको प्रॉब्लम होती है वो चाहे इंटरनली हो चाहे सामने से वो सहयोग करते हैं, जैसा भी जिसको मदद रहती है। और फिर और मैं सबसे ज़्यादा उसको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगी, वो स्वस्थ रहें। नवी मुंबई उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष राजेश राय ने कहा कि समाज की सेवा यही उनका ध्येय है एवं इससे ही उनका मनोबल बढ़ता है। देखिए ऐसा है कि जन्मदिन के दिन जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी हैं, हमारे नई मुंबई के आदरणीय गणेश नाईक साहब, कार्य सम्राट आमदार मंदाताई, हमारे जिला अध्यक्ष घरा साहब और हमारे हिंदी भाषी नेता कृपा शंकर सिंह हैं, संजय उपाध्याय जी हैं, संजय पांडे जी हैं, ये जब भी मिलते हैं तो यही करते हैं। राजनीति तो करनी है लेकिन सबसे पहले समाज सेवा करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये है कि कोई वोट दे या ना दे लेकिन जो योजनाएं हैं वो एक एक गरीब तक पहुंचनी चाहिए, उसी कार्य में हम लोग लगे हैं। और मुझे आज मेरा मनोबल एकदम बढ़ा हुआ है क्योंकि हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा के तो सब लोग मेरे साथ में थे ही, लेकिन अपने भाजपा के कार्यकर्ता और जो भाजपा के नहीं भी कार्यकर्ता है आज आकर मेरे को शुभकामना दिए और पूरा आश्वासन दिए कि इस कार्य में उन लोग सब लोग मुझे सहयोग करेंगे और इसे जन जन तक पहुंचाएंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जन्मदिन के उपलक्ष में उन्होंने जो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य कार्ड का वितरण किया है उसके माध्यम से बीमारी के समय उन्हें 5 लाख तक का सुरक्षा कवच मिल सकता है। ये परिवार के किसी भी सदस्य को कोई बीमारी हो गई, जैसे हार्ट की बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, तो सरकार की तरफ से 3 लाख का उनको मेडिक्लेम अपना मिलेगा। ये तो था जब हम लोग पेपर ले रहे थे, लेकिन आज सबसे खुशखबरी ये आई कि अभी इस योजना में 5 लाख का लाभ मिलेगा। और ये हम लोग की जो टीम है ये छोटा छोटा कैंप लगा रही है कि उस कैंप के लगाने से ये अवेयरनेस पूरा नई मुंबई में क्रिएट हो रहा है, सभी को इसके बारे में जानकारी मालूम पड़ रही है और बाकी लोगों भी आगे बढ़कर मतलब कि कैंप लगाने के लिए तैयार है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये हेल्थ इंश्योरेंस का नई मुंबई में बड़े बड़े कैंप भी लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट द मेट्रो।